दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी अब मुखर हो चुकी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस दिल्ली और केंद्र सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पोल खोल यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा, दिल्ली सरकार की नई आपकी नीति 2021 के तहत अधिक राजस्व अर्जित करने वाले शराब के व्यापार को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपकर अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रत्येक वार्ड के तीन तीन शराब के ठेके खोलकर दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर कई जोरदार हमले बोले। मैं वो चार लाइनें आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो अरविंद ने इसमें लिखी है। कहा है कि आज किसी भी इलाके में दारू की दुकान खोलने के लिए वहां के नेता और किसी अफसर की मंजूरी लेनी होती है। ये बात कर रहे हैं 2013 से पहले की व्यवस्था के बारे में। जनता से तो पूछा ही नहीं जाता, तो मैं आज अरविंद से पूछना चाहता हूं, आपने कितनी जनता से पूछा, कितने लोगों से डिस्कस किया, कितने आरडब्ल्यू से बातचीत की, या कितने मोहल्ला सभा में आपने जाके डिस्कस किया? अरविंद उसका हिसाब है। शराब माफियाओं के साथ मिलकर के ठेके लेने का काम कर रहे हैं, वो भी सूची हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी शीघ्र उनकी भी मैं पोल खोलूंगा, इनके कार्यकर्ताओं के एड्रेस के साथ पोल खोलूंगा। जैसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे भ्रष्टाचार मचाया था, वैसा ही भ्रष्टाचार आज भी मोहल्ला सभा मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ शराब के ठेके, यानी कि आम आदमी पार्टी के शराब के ठेके खुलने जाने हैं। तो आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों का विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आपने कितनी रिश्वत ली है? आप बताएंगे? ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने के नाम पे जनता को गुमराह किया, तो अरविंद केजरीवाल बताए ये नीति लाने में आपने कितनी रिश्वत ली है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वराज आपके द्वारा लेखन में आप खुद बोल रहे हैं। हालांकि हमारे पास जानकारी है कि शराब माफिया के साथ आपने जो सांठगांठ की है, कहां कहां किसके साथ मीटिंगें की हैं, किन होटलों में मीटिंग की हैं, उनकी भी हम पोल खोलेंगे, शीघ्र पोल खोलेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।